नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी डिटेल आपके लिए लेकर के आए हैं, और गाइस वैकेंसी डिटेल नहीं वैकेंसियों की डिटेल लेकर के आए हैं, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने गाइस बम्पर भर्तियां निकाली है। हरियाणा सरकार ने वैकेंसीज का पिटारा खोल दिया गाइस, बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए गाइस अप्लाई कर सकते हो, कम से कम 30 पोस्टें यहाँ पे अनाउंस हुई है। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है। यहाँ पे गाइस कुछ इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आपको शो होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे एडवर्टाइजमेंट रहेंगी। तो गाइस आज यानी कि 14 जून को इन्होंने दो एडवर्टाइजमेंट अपलोड किए, उससे पहले गाइस 13 जून की भी दो अपलोड इनके द्वारा की गई है। तो आप इसमें से अगर पहले वाली पीडीएफ नहीं चेक किए तो गाइस वो भी कर सकते हो, बट हम यहां पे आज की ही पीडीएफ देखने वाले हैं यानी कि गाइस 14 जून की। तो सबसे पहले गाइस हम ये 178 केबी की जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइज इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी गाइज ये बड़ी है पीडीएफ, हम वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो कंप्लीट इसकी डिटेल, प्रकाशन की डेट दी गई है 14 जून, और गाइज जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19 जून से, और गाइज क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो रहेगी 3 जुलाई 2019, और गाइज फीस की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 6 जुलाई। तो गाइस इन डेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गाइस टेबल दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट का, आप इसे चेक कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो 697 पोस्ट अनाउंस हुई गाइस यहाँ पे ग्राम सचिव की, और गाइस ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 19 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में। और इसके बाद गाइस हम यहाँ से वैकेंसी डिवाइडेशन का बात करें तो चलिएगा सीधा वैकेंसी डिवाइडेशन पे ही हम चलते हैं एक बार। तो यहाँ से गाइज ये वैकेंसी डिवाइडेशन दिया हुआ है, प्लस आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह की सारी डिटेल है। तो गाइज यहाँ से जो वैकेंसी अनाउंस हुई है 697 वैकेंसियां हैं, और उनका डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार से है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जनरल कैटेगरी के अंदर गाइज 287 पोस्टें अनाउंस हुई है, एससी कैटेगरी के अंदर 162, बीसी ए के अंदर 107, बीसीबी के अंदर 74, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर गाइस 67 पोस्टें अनाउंस हुई है, और गाइस इन पोस्टों का आगे डिवाइडेशन भी किया गया है। और इसके बाद गाइस बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए भी काफी अच्छी खासी पोस्टें यहां पे अनाउंस की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस इन वैकेंसीज के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्लस गाइस आपने 10th में हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट का नॉलेज लिया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें गाइस तो 17 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। और गाइस सैलरी जो आपको अच्छी खासी यहां पे मिलने वाली है, 19,900 रुपए से गाइस आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और मैक्सिमम 63,200 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। और गाइस जो हरियाणा के कैंडिडेट रहेंगे उनको एज में छूट भी दी जाएगी, एससी एसटी कैंडिडेट जो रहेंगे 5 साल की छूट के पात्र होंगे, वहीं ओबीसी कैंडिडेट जो है गाइस 3 साल के पात्र रहेंगे। इसके बाद गाइस यहां से आप फीस डिटेल देख सकते हो, जैसा फीस गाइस इनकी सभी वैकेंसीज के लिए लगभग सेम है। यहां से जो जनरल कैटेगरी की मेल एंड फीमेल रहेंगी गाइस 100 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे, बट गाइस हरियाणा की जो जनरल कैटेगरी की फीमेल रहेंगी उनको ओनली यहां पे 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। और गाइस जो एससी बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे हरियाणा के मेल कैटेगरी से, तो उनको यहाँ पे 25 रुपये पे करने पड़ेंगे, और गाइस इन्हीं कैटेगरी की अगर आप फीमेल हो तो यहाँ आपको 13 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक्स सर्विस मैन को गाइस यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ना ही फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को यहाँ पे कोई चार्ज लगने वाला है। तो नेक्स्ट गाइज यहाँ पे हम अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर गाइज दो भागों में से डिवाइड किया गया है। एक तो आपका रिटर्न होगा गाइज, और 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर दिए जाएंगे। और गाइज जो रिटर्न होगा उसकी भी हम बात करेंगे क्या कुछ डिवाइडेशन है। उससे पहले गाइस यहाँ पे जो दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात करें तो आपको जो है 3 कंडीशन में ये 10 एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। एक कंडीशन तो तब लागू होती है गाइस जब आपके परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप 5 नंबर का दावा कर सकते हो। और गाइज दूसरी बी कंडीशन की हम बात करें तो अगर आप विधवा हो तो आप 5 नंबर ले सकते हो, और गाइज अगर आपके फादर की डेथ 42 साल की एज से पहले हो गई तो आप 5 नंबर का दावा कर सकते हो। और गाइज अगर आपके फादर की डेथ जिस समय हुई तब आप 15 साल के नहीं थे तो भी 5 नंबर का दावा कर सकते हो। और गाइज अगर हम तीसरी कंडीशन की यहाँ पे बात करें तो अगर आप हरियाणा के जो है घुमक्कड़ जाति या जनजाति से आते हो तो आप 5 नंबर का दावा कर सकते हो। बट गाइज ये तीन ही कंडीशन जो दी गई थी तीनों में भी डिवाइडेशन किया गया था, बट सभी को कुल मिलाकर के जो आप ओनली 10 नंबर ही यहाँ ले सकते हो, इससे ज्यादा आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद गाइज हम बात करें एक्सपीरियंस के एक्स्ट्रा नंबर की, तो गाइज मैक्सिमम एक्सपीरियंस के आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, बट गाइज 1 साल का आपको आधा नंबर एक्सपीरियंस के तौर पर दिया जाएगा, और इस प्रकार से 16 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप
मैक्सिमम 8 नंबर यहाँ पे ले सकते हो। और इसके बाद गाइज हम बात करें आपके एग्जाम की, तो इन्होंने कहा है कि 13 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं लगता गाइज, बट जो भी हो बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा आपका। तो ये लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी गाइज, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हम मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।